हेलो एवरीवन आज के वीडियो लेक्चर में हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स वीपीएन के बारे में पढ़ेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब होता है कि पब्लिक नेटवर्क को एक तरह से वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क में कन्वर्ट करना अब देखिए इसमें एक आप सिनेरियो लेके चल सकते हैं सपोज़ एक ऑफिस की ब्रांच है इन डेली एक ऑफिस है उसकी एक ब्रांच है डेली में और उसी ऑफिस की एक ब्रांच है सपोज चेन्नई में और मुझे इन दोनों ब्रांचेस को कनेक्ट करना है और कनेक्शन कैसा होना चाहिए कि जो मेरा डाटा ट्रेवल करे वो यहाँ से यहाँ तक दिल्ली से चेन्नई तक दैट डाटा शुड बी अ प्राइवेट कि उसको कोई भी और यूज़र या कोई हैकर या कोई मलिशियस यूज़र उस डाटा को एनालाइज़ या फिर रीड ना कर सके तो देखिए एक तो तरीका क्या है कि मैं दिल्ली से चेन्नई तक वायर डाल दूँ कि दिल्ली आई कैन इंस्टॉल अ वायर फ्रॉम डेली टू चेन्नई बट दैट सॉल्यूशन इज़ नॉट फिजिबल और इट इज़ वेरी कॉस्टली टू इंस्टॉल अ डेडिकेटेड वायर फ्रॉम डेली टू चेन्नई जस्ट टू कनेक्ट टू ऑफिस सो दैट इज़ नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन दूसरा सोल्यूशन क्या है कि मैं पब्लिक नेटवर्क या फिर इंटरनेट को यूज़ करूँ नॉर्मल और सम हाउ इस इंटरनेट को मैं इतना सिक्योर बना दूँ कि वो एक तरह से प्राइवेट नेटवर्क में काम करे तो एक पब्लिक नेटवर्क को सिक्योर बना के एक प्राइवेट नेटवर्क की तरह वर्क कराने को हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दैट इज बाय द टर्म वर्चुअल कम्स हेयर तो वीपीएन इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एम्प्लॉइंग इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन सो दैट वी कैन यूज अ पब्लिक नेटवर्क एज इफ इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क तो हम जो इस इंटरनेट या पब्लिक नेटवर्क है उस पर इंक्रिप्शन करेंगे ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी प्रोडक्शन ताकि ये पब्लिक नेटवर्क एक तरह से प्राइवेट नेटवर्क की तरह काम करेगा वीपीएन ऑफर्स हाई अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ दिस थ्री थिंग्स एंड इट अलाउज़ यूज़र टू रिमोटली एक्सेस ए प्राइवेट नेटवर्क अब एक यूज़र जो यहाँ पे डेली में है दैट यूज़र कैन ईजीली एक्सेस द नेटवर्क ऑफ चेन्नई ऑफिस Over a uh, just like a private network with the help of VPN, and it simulates a private network over a public network. So, these are some of the basic terms, and this is the architecture of VPN. In this, there is uh, one VPN tunnel, this is network one, and this is network two. So, we can write here network one and network two. अब देखिए इसमें कैसे काम होता है ये नेटवर्क वन के सिस्टम्स है ये नेटवर्क टू के सिस्टम्स है एंड दिस इज द फायर ऑफ दिस नेटवर्क सो वी आर नेमिंग इट एज फायर वॉल वन एंड दिस इज द फायर वॉल ऑफ दिस नेटवर्क सो दिस इज फायर वॉल टू तो इसको हम मानते हैं डेली ऑफिस और इसको मानते हैं चेन्नई ऑफिस एंड दिस इज द पब्लिक नेटवर्क बिटवीन टू ऑफिस अब देखिए हुआ क्या है कि जो ऑफिस वन था डेली का ऑफिस था उन्होंने अपनी फायर इंस्टॉल कर ली सिमिलरली जो चेन्नई का ऑफिस था उसने अपनी फायर इंस्टॉल इंस्टॉल कर ली और इस फायर का क्या काम है दिस फायर वॉल फायर वॉल परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन तो फायर वॉल वन अगर इंक्रिप्शन कर रही है तो फायर वॉल टू उसी इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट कर, कर रही है दैट इज़ डिक्रिप्शन कर रही है फायर वॉल टू अगर ट्रैफिक इधर से इधर जा रहा है अगर ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो फायर वॉल टू इंक्रिप्शन कर रही है और फायर वॉल वन डिक्रिप्शन कर रही है सो इन दिस वे द डाटा फ्लोज फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस अब देखिए होता क्या है इन सिस्टम्स का कुछ अपना आई एड्रेस होगा वो डाटा भेजेंगे विद दिस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ दिस सिस्टम तो अभी मैं आपको बता दूंगी कैसे काम करता है सपोज यहाँ पे सोर्स था ए और ए को डाटा भेजना है जेड को दिस इज द आई पी एड्रेस ऑफ सोर्स एंड दिस इज द आई पी एड्रेस ऑफ जेड तो ए क्या डाटा पैकेट फॉर्मेट बनाएगा सोर्स से एक डाटा पैकेट निकलेगा जिसमें कुछ हेडर्स होंगे यहाँ पे एडिशनल हैडर्स हैं देन वी हैव द डेस्टिनेशन एड्रेस दैट इज़ जेड एंड द सोर्स एड्रेस विच इज़ ए तो ये पैकेट अब कहाँ पे आएगा फायर वॉल वन के पास एंड आफ्टर पासिंग फ्रॉम फायर वॉल वन फायर वॉल वन विल एड इट्स ओन आई पी एड्रेस तो अब देखिए फायर वॉल वन क्या करेगी इतना तो ओरिजिनल था उसके बाद फायरवॉल का अपना एडिशनल हेडर आया एंड नाउ द सोर्स एड्रेस ऑफ दिस फायर वॉल सपोज एफ टू सॉरी डेस्टिनेशन ऑफ दिस फायरवॉल एफ टू एंड द सोर्स विच इज़ एफ वन मतलब इस फायर वॉल ने अब इसके डाटा को हाइड करके अपना आई पी एड्रेस अटैच कर दिया और उस पूरे डाटा पैकेट को इंक्रिप्ट कर दिया विद सम इंक्रिप्शन प्रोसेस नाउ दिस डाटा पैकेट ट्रेवल्स थ्रू वी पी एन टनल एंड इट रीचिज फायर वॉल टू तो अब फायर वॉल टू क्या करेगी फायर वॉल टू विल डिस दिस पर्टिकुलर एडिशनल थिंग दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग एंड द पैकेट विल नाउ अगेन लुक लाइक जेड ए और द टर्म ऑफ डिस्कार्डिंग इज इरेवेंट यू कैन से दैट द फायर वल टू डिक्रिप्ट द पैकेट सो दैट इट कैन रीड द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन एंड नाओ द पैकेट विल रीच टू द डेस्टिनेशन विच इज जैड तो इस तरह से वी पी एन के अंदर एक पैकेट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रेवल करता है नाओ देर आर टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और मोड्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वी पी एन विच आर पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल दैट इज़ पी पी टी पी एंड लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल और एल टू टी पी सो इन दोनों के बारे में आपको डिफ्रेंस पता होना चाहिए ना पॉइंट टू पॉइंट इज़ अ बेसिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और बेसिक प्रोटोकॉल विच इज़ यूज फॉर वी पी एन बेसिक है और विंडोज़ एंट्री सिस्टम के ऊपर ये नॉर्मली यूज़ होता था वेर एज लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल इज़ अ एडवास्ड वर्जन ऑफ It is an advanced version of point to point tunneling protocol. This supports, this supports connectivity between a user and a LAN. इसका मतलब है कि अगर एक यूजर है हमारे पास देन दैट यूजर कैन यूज़ वी पी एन एंड कनेक्ट टू अ लैन सिस्टम सिंगल यूजर कैन कनेक्ट टू लैन वेर एवर दिस सपोर्ट्स बोथ यूजर टू लैन एंड लैन टू लैन तो ये दोनों सपोर्ट करता है यूजर से लाइन और लैन से लाइन भी अगर एक आपके लैन सिस्टम है देन दैट लैन सिस्टम कैन इजीली बी कनेक्टेड टू अनदर लैन सिस्टम सो दिस इज अबाउट पी पी टी एंड एल टू टी पी अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन पी पी टी पी एंड एल टू टी पी सो दैट इज हाउ वी पी एन वर्क यू कैन वंस अगेन सी द आर्किटेक्चर ऑफ वी पी एन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ द पैकेट्स ट्रेवल फ्रॉम वन Network to another network. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on security and other computer science related subjects. Thank you.